बेनीफिशरी जो है उसके लिस्ट जो है अपने अपने क्षेत्र कराइए अपने मंडल की लिस्ट ताकि अस हर साल कर रहे हैं। लेकिन इस बार पार्टी ने गलाया कि योगा दिवस के कन्ने कन्ने योगा दिवस उत्ते असें करना है, लेकिन उसके कन्ने कन्ने अस उत्ते साड़ी सरकार की नौ वर्ष की जो उपलब्धियां मोदी जी सारे अजय दिता अस प्रदर्शनी भी मतलब कोई मंडल के हलवाई साहब की चिंता करूँ कि जितने भी योग दिवस अस मनाइए उत्थे प्रदर्शनी के कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो नौ साल का जो कार्यकाल है पता रखे उसकी जानकारी जी है लोगों तक पहुंचे। 21 तरीक के बाद 23 जून का तुम्हें सारे पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस होता है। अस हर साल श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बड़े कार्यक्रम भी होते हैं माधापुर भी कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्टैचू है अस उत्तर भी कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार पार्टी ने गलाया कि हर बूथ उपर मंडल अनुसार कार्यक्रम करना ही लेकिन हर बूथ उपर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होना और उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने VC के माध्यम से कार्यकर्ता जी जो संबोधित भी करना और अस जो मन की बात का कार्यक्रम खुले उस दिन अस श्रद्धांजलि भेंट करते उपरान अस प्रधानमंत्री की जी VC है उसी अस सुनिए और प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन है उसी की अस सुनिए ऐसा पार्टी की तरफों साढ़े सारे अगर निवेदन है। तो 23 जून के कहने के पार्टी कह रहे हैं कि 20 को लेइए 30 तरीक तक जरा एक जनसंपर्क अभियान है असें घर घर जाना घर घर जाना और पार्टी की तरफों कोई सू जो मटीरियल मिलना कोई लीफलेट्स मिलने कोई लिटरेचर मिलना कोई पॉम्पलेट मिलना जोड़ा डाटा पार्टी तरफों सूँ मिलना वो असें लोगों घर घर जाइए लोगों की यह दसना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी 9 साल 1 साल जोड़ा कार्यक्रम है 9 साल के साथ सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साढ़े डॉक्टर जगविंदर सिंह जी ने या साड़ी सरकार ने के काम किए वह एक डाटा साढ़े को आना और असें घर घर जाना कि भी असें मंडल सिंह जी अपने शक्ति केंद्र प्रमुख ने या साढ़े बूथ अध्यक्ष ने उनके माध्यम से असें लोगों के घर घर जाने का एक कार्यक्रम पार्टी ने कहा 10 दिन का यह कार्यक्रम है 20 को लेइए 30 तरीक ऐसा मेरा निवेदन है कि ये सारे कार्यक्रम 1 महीने के जो कार्यक्रम है थोड़े सारे सामने रखते हैं ये सारे कार्यक्रम असं करते थे और बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले भी आख्या कि अस कठुए जिले के कार्यकर्ता और कठुए जिले का कार्यकर्ता हमेशा भारतीय जनता पार्टी की झोली के जिस वे भी कोई चुनाव होते सारे को ज़्यादा मैं आखिर कि वधिया जरा रिजल्ट है या 100% जरा रिजल्ट है वो सारे कठुए जिले के निकलता है कुछ ना कुछ उस दृष्टि के लिए भी अस बड़े इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता है और ये जरा समय है बड़ा इंपॉर्टेंट समय है और बेमिसाल का जो कार्यक्रम है 20 मई को प्रधानमंत्री जी का ये मैं कहूँगा कि 9 साल पूरे सरकार जो है कर रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो 9 साल के जो कार्यक्रम जो कार्य पार्टी की तरफ से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो उपलब्धियाँ तो हमारे देश समाज के लिए हमारे प्रत्येक मैं कहूँगा लोकसभा अनुसार जो काम हुए हैं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मेहरबानी से ऐसा एक कार्यक्रम पार्टी की तरफ से महाजनसंपर्क अभियान पार्टी की तरफ से 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा उसकी तैयारियों के लिए आज की ये बैठक थी और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से और आप देखेंगे कि 21 जून का भी हमारा कार्यक्रम रहेगा जिसमें योगा दिवस होगा उसमें भी हमारे कार्यक्रम जो है रहेंगे और प्रदर्शनी रहेगी। उसके अलावा 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हमारा बलिदान दिवस रहता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हर बूथ पर श्रद्धांजलि के कार्यक्रम होंगे और उसके साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक संबोधन जो है 23 जून को हर बूथ पर कार्यकर्ता सुनेंगे और उसके अलावा 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता लोगों को अपनी उपलब्धियां हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां लिटरेचर के माध्यम से जो भी हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की हमारे मंत्री साहब की वजह से हमारे केंद्र सरकार की तरफ से जो कार्य किए गए हैं जो भी प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जो कंप्लीट हुए हैं उसकी पूरी जानकारी हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताएं कि किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश हमारा समाज हमारा ज़िला अलग अलग डेवलपमेंट के जो कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है ऐसी जानकारी जो है आज सभी कार्यकर्ताओं को हमने दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के लिए संगठन की मजबूती के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कठुआ जिला के अंदर हर एक बूथ पर हर एक शक्ति केंद्र पर हर एक मंडल स्तर पर हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं ने संगठन की मजबूती के लिए काम